हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, उस मूवी का नाम है अनहिंज्ड। ये मूवी एक साइको पे बेस्ड है, तो चलिए आइए देखते हैं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल को बड़ा बनाने में मदद करें। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक गाड़ी कहीं घर के बाहर खड़ी है, उसके अंदर एक आदमी बैठा होता है और वो ड्रिंक कर रहा होता है। उसके बाद वो आदमी सामने वाले घर में जाता है और फिर उस घर के लोगों को मारकर चला देता है और वहां से चला जाता है। फिर एक घर दिखाया जाता है, वहां एक लेडी और उसका बच्चा रहता है। उसके भाई के साथ वो अपनी मॉम से बात कर रहा होता है। उसके बाद वो लेडी अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है, पर रास्ते में वो एक ट्रैफिक जाम में रुकती है और फिर वो दूसरा रास्ता अपनाती है। उस बीच वो अपने बच्चे से गेम भी खेलते रहती है। तभी जाते समय उस लेडी का हस्बैंड उसे कॉल करता है। उन दोनों में एक नोकझोंक होते रहती है और वो बच्चा पीछे बैठकर सुन रहा होता है। तभी वो एक ट्रैफिक में फंस जाती है और वहां से भी वो दूसरा रास्ता ले लेती है और फिर वो एक गाड़ी के पास जाकर रुकती है। सब ट्रैफिक में खड़े रहते हैं, तभी लाइट ग्रीन होती है और सब गाड़ी वाले निकल जाते हैं, पर उस लेडी के आगे की गाड़ी वहीं खड़ी रहती है। तभी वो बार बार हॉर्न बजाती है, पर वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ता है। आगे नहीं बढ़ने के कारण वो साइड से आगे चली जाती है और फिर जाके आगे एक ट्रैफिक पे रुकती है। तभी वो गाड़ी जो रुका था वो भी उसके पीछे आके साइड में लग जाता है। तभी उसमें से एक आदमी काइल को, जो उस लेडी का बेटा रहता है, उसे उस गाड़ी के विंडो को नीचे करने के लिए बोलता है और फिर वो लेडी जिसका नाम रेचल रहता है वो उसे कहती है मत करो। तब वो आदमी जो दूसरे गाड़ी में बैठा था वो बोलता है, लगता है आपको हॉर्न प्यार से बजाना नहीं आता है। तो रेचल कहती है नहीं। फिर वो उसे सॉरी बोलता है और फिर रेचल को भी सॉरी कहने के लिए कहता है, पर वो नहीं कहती है। वो आदमी कहता है तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि बुरा दिन कैसा होता है। और फिर रेचल गाड़ी से आगे बढ़ जाती है और तब वो आदमी कुछ देर बाद फिर उसके पीछे आता है और तब रेचल उसे चकमा देकर दूसरे रास्ते चली जाती है। फिर रेचल काइल का ध्यान बटाने के लिए इधर उधर की बात करने लगती है और फिर उसे स्कूल छोड़ किसी एंडी नाम के शख्स को कॉल करती है और मीटिंग फिक्स करती है। उसका ध्यान फिर फ्यूल मीटर पे जाता है और फिर वो गैस स्टेशन पे जाती है भरवाने और कुछ शॉपिंग करने लगती है। तभी उसकी नजर वहाँ एक कैमरे से कनेक्ट स्क्रीन पर पड़ती है और वो देखती है कि वो आदमी अपनी गाड़ी के साथ खड़ा है। तभी वो शॉक हो जाती है और विंडो से बाहर देखती है, वो वहीं खड़ा रहता है। तब वहाँ खड़े लोगों को वो बताती है, तो लियो नाम का आदमी उसके साथ जाता है और उसके साथ खड़ा रहता है। तब रेचल अब गैस भरकर चली जाती और लियो उस आदमी के गाड़ी के सामने खड़ा रहता है और कहता है तुम्हारी गाड़ी नंबर मुझे याद हो गई है। तब वैसे ही वो आदमी गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा देता है और रेचल के पीछे चल देता है और फिर स्टार्ट हो जाता है चेजिंग और टक्कर का सिलसिला। और फिर जैसे तैसे वो उससे अपना पीछा छुड़ा लेती है और कहीं अपनी गाड़ी पार्क कर लेती। दूसरी तरफ एंडी रेचल को कॉल कर रहा होता है लंच के लिए। तभी वो आदमी उसके पास आता है और अपने आप को रेचल का दोस्त बताता है और फिर बात करता है और एंडी को कहता है अगर मैंने तुम्हें रेचल से बात करवा दी तो क्या तुम मुझे कॉफी पिलाओगे, और वो फिर कहीं कॉल करता है। तभी रेचल की गाड़ी में फोन बजता रहता है। वो उठाती है और पता चलता है कि ये फोन उस आदमी का है और वो आदमी एंडी के साथ बैठा है। ये सब एंडी बताता है। वैसे ही वो आदमी एंडी से फोन ले लेता है। तभी रेचल कहते रहती है वो आदमी उसका फ्रेंड नहीं है, पर वो फोन जब तक उस आदमी के हाथ में रहता है और वो उसे बोलता है तुम्हें सॉरी बोलना सीखना होगा। तभी एंडी वहां से जाने लगता है तो वो उसे पंच मारकर बैठा देता है और उसे मार देता है। और ये सब रेचल फोन पे सुनती रहती है। फिर वो आदमी वहां से फोन पे रेचल से बात करते करते निकल जाता है। तब वो 911 पे कॉल करती ही रहती है कि फिर से वो आदमी का कॉल आता है और वो बोलता है कि अपने फोन में से कोई एक कॉन्टेक्ट चुनो, कौन अब मरेगा। और फिर कहता है चलो मैं ही चुन लेता हूँ। तब वो कहती है मुझे मार डालो अपने बच्चे को बचाने के लिए, वो कहती है। तब वो आदमी कहता है तुम खुद को नहीं चुन सकती। तब रेचल अपने बॉस को चुनती है क्योंकि उसने उसे जॉब से निकाला हुआ होता है और फिर बोलती है मैंने तुम्हें एक नाम बता दिया है, अब तुम मेरे बेटे को कुछ नहीं करोगे। तब वो आदमी कहता है हाँ अभी के लिए नहीं करूँगा और कहता है ये फोन लॉस्ट नहीं होना चाहिए और काट देता है। तब रेचल वैसे ही चल देती है जहाँ वो खड़ी रहती है और पुलिस को कॉल करके बताती है। रेचल के भाई को दिखाया जाता है और उसका नाम फ्रेड रहता है। वो टीवी देख रहा होता है, तभी कोई आवाज आती है ग्लास टूटने की। तो वो जाकर देखता है कि वो आदमी उसके गर्लफ्रेंड को पकड़ा हुआ होता है।
फ्रेड बोलता है छोड़ दो उसे, तो वो बोलता है हाँ मैं छोड़ दूंगा, और ये भी बोलता है मुझे तुम्हारी बहन को सबक सिखाना है, और तभी उसकी गर्लफ्रेंड को धक्का दे देता है जिससे फ्रेड के हाथ में लिए नाइफ से उसे लग जाती है। और फिर वो आदमी बोलता है देखा तुम्हारी बहन ने क्या किया। फिर रेचल को दिखाया जाता है, वो अपने बच्चे के स्कूल में आई हुई रहती है। तभी वो आदमी उसे कॉल करता है और कहता है अपने बच्चे को लो और वहाँ से जितना जल्दी हो सके दूर निकल जाओ, और फोन काट देता है। तभी रेचल भागी भागी जाती है स्कूल में और अपने बेटे को पिक करके वहाँ से निकल जाती है अपने गाड़ी में। तभी वो आदमी कॉल करता है और कहता है काइल को बोलो मुझे हेलो कहे। तब काइल हेलो बोलता है। उसके बाद रेचल कहती है मुझे मेरे भाई से बात कराओ। तब वो आदमी उसे फोन देता है। उसे वो चेयर से बांधा हुआ होता है और रेचल का नाम का लेटर रीड करवाता है। वैसे ही वहाँ पुलिस आ जाती है तो वो आदमी फ्रेड के पीछे होकर उसके शर्ट में आग लगा देता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी पुलिस वाले उसे एक गोली मार देते हैं उसके कंधे पर, और ये सब रेचल गाड़ी में बैठकर सुन रही होती है। तभी वो अचानक से गाड़ी साइड में रोकती है और बाहर तभी कायल बाहर आके अपनी माँ को शांत करता है। उसके बाद फिर से उस आदमी का कॉल आता है। रेचल उसका फोन उठाती है और वो कहता है तुम्हारा भाई मारा गया और अब तुम्हारे बेटे की बारी है। तब रेचल कहती है ये मैं होने नहीं दूंगी और फोन तोड़ देती है और फिर वहाँ से चल देती है। तभी उन्हें अपना टैब मिलता है और जिसे वो पता लगाते हैं कि वो कहाँ पर है, क्योंकि रेचल का फोन उसके पास रहता है। तब उन्हें पता चलता है कि वो साइड वाले गाड़ी में है। वो आदमी फ्रेड की गर्लफ्रेंड के कार में उनके सामने ड्राइव कर रहा होता है। तभी उन्हें जस्ट आगे वही हाईवे पे पुलिस की गाड़ी भी दिखती है, वो उन्हें बुलाता है। ये सब वो आदमी देखकर पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार देता है और उनके पीछे पड़ जाता है। तब वो प्लान करती है कि वो रेचल की माँ के घर जाएगी, क्योंकि वहाँ के रास्ते भूल भुलैया की तरह है, और उस आदमी को अपने पीछे आने पे मजबूर करती है और उसे चकमा देते हुए उसे वहीं फंसा देती है। फंसने के बाद वो आदमी हर एक रोड को देखते हुए बढ़ता है और दूसरी तरफ रेचल स्पीड से अपने माँ के घर पहुँच जाती है। और फिर वो डिसाइड करते हैं कि काइल किसी सीक्रेट प्लेस पे छुपेगा जहाँ वो बचपन में छुपता था, और फिर रेचल काइल को भेज देती है घर के अंदर। काइल भी जाके छुप जाता है और रेचल भी तैयारी करने लगती है उस आदमी के आने का। तब वो आदमी जैसे तैसे करके रेचल की मॉम के घर के सामने आकर रुकता है। तो वैसे ही रेचल दूसरे गाड़ी से उसे टक्कर मारती है और उस गाड़ी को पलट देती है, और जब गोल्फ स्टिक लेके आती है उसे मारने के लिए तो वो पीछे से आकर उसे गिरा देता है और कहता है मैं जा रहा हूँ तुम्हारे बेटे को मारने के लिए। उसे एक पंच मार कर घर में चला जाता है। घर के अंदर आने के बाद काइल को बुलाता है और कहता है तुम अब सेफ हो, ये पुलिस है। और काइल ये सब सुनकर चुपचाप बैठा रहता है, और दूसरी तरफ पुलिस भी आ रही होती है क्योंकि काइल ने चुपके से छुपने से पहले साइलेंट अलार्म बजा दिया होता है। तब वो आदमी बाहर जाने लगता है, वैसे ही काइल से कुछ गिर जाता है और वो ऊपर की ओर आता है। तब कहीं से सीक्रेट प्लेस का डोर खुलता है तो वो चिल्लाने लगता है, पर उसकी मॉम रहती है और वो उसे शांत करती है। वैसे ही वो आदमी आकर रेचल को निकालता है। तब काइल की मॉम उसे हाथापाई करती है और वो आदमी रेचल को एक पंच मारता है और काइल को भी, और फिर वो जैसे ही काइल को मारने जाता है वैसे ही रेचल उठाती है एक सीजर और उसके आंख में डाल देती है। उसके बाद जब वो आदमी फिर से उठने की कोशिश करता है तो रेचल उसी सीजर पे एक किक मारकर से मार देती है, जब तक पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और उनका बयान लेने के बाद फिर उन्हें छोड़ देती है। मूवी का द एंड हो जाता है।